आप सभी को जय मसीह की। द बाइबल पोषण में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है गिनती की पुस्तक 33वां अध्याय वचन 38 से 56। वहां इसराइलियों के मिस्र देश से निकलने के 40वें वर्ष के 5वें महीने के पहले दिन को हारून याजक यहोवा की आज्ञा पाकर होर पर्वत पर चढ़ा और वहां मर गया। और जब हारून होर पर्वत पर मर गया तब वह 123 वर्ष का था। और अरात का कनानी राजा जो कनान देश के दक्षिण भाग में रहता था उसने इसराइलियों के आने का समाचार पाया। तब इसराइलियों ने होर पर्वत से कूच करके सलमोना में डेरे डाले और सलमोना से कूच करके पूनोन में डेरे डाले और पूनोन से कूच करके ओबोस में डेरे डाले और ओबोस से कूच करके अबारीम नामक डीहों में जो मोआब की सीमा पर है डेरे डाले। तब उन डीहों से कूच करके उन्होंने दीबोन गाद में डेरा किया और दीबोन गाद से कूच करके अलमोन दिबलातेम में डेरा किया और अलमोन दिबलातेम से कूच करके उन्होंने अबारीम नामक पहाड़ों में नबो के सामने डेरा किया। फिर अबारीम पहाड़ों से कूच करके मोआब के अराबा में यरीहो के पास यर्दन नदी के तट पर डेरा किया और उन्होंने मोआब के अराबा में वेत्य शीमोत से लेकर आबेल शित्तीम तक यर्दन के किनारे किनारे डेरे डाले। फिर मोआब के अराबा में यरीहो के पास की यर्दन नदी के तट पर यहोवा ने मूसा से कहा, इसराइलियों को समझा कर कह, जब तुम यर्दन पार होकर कनान देश में पहुंचो तब उस देश के निवासियों को उनके देश से निकाल देना और उनके सब नक्काशीदार पत्थरों को और ढली हुई मूर्तियों को नष्ट करना और उनके सब पूजा के ऊंचे स्थानों को ढा देना और उस देश को अपने अधिकार में लेकर उसमें निवास करना, क्योंकि मैंने वह देश तुम्ही को दिया है कि तुम उसके अधिकारी हो। और तुम उस देश को चिट्ठी डालकर अपने कुलों के अनुसार बांट लेना, अर्थात जो कुल अधिक वाले हैं उन्हें अधिक और जो थोड़े वाले हैं उनको थोड़ा भाग देना। जिस कुल की चिट्ठी जिस स्थान के लिए निकले वही उसका भाग ठहरे, अपने पितरों के गोत्रों के अनुसार अपना अपना भाग लेना। परंतु यदि तुम उस देश के निवासियों को अपने आगे से न निकालोगे तो उनमें से जिनको तुम उसमें रहने दोगे वे मानो तुम्हारी आंखों में कांटे और तुम्हारे पांजरों में कीले ठहरेंगे और वे उस देश में जहां तुम बसोगे तुम्हें संकट में डालेंगे और उनसे जैसा व्यवहार करने की मनसा मैंने की है वैसा ही तुमसे करूंगा।